जब मन करे कुछ चटपटा खाने का तो घर में रखी हुई सिर्फ 3 चीजों से बनाइए बहुत ही टेस्टी स्नैक। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ लेकर आई हूँ बहुत ही इजी स्नैक की रेसिपी, जिसे कि आप झटपट से सिर्फ 5 मिनट में बना सकते हैं। गेहूं के आटे से बना ये टेस्टी नाश्ता बच्चों और बड़ों दोनों को बहुत पसंद आता है। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी को। यहाँ मैंने लिया है आधा कप पोहा। पोहे में हम पानी डाल लेते हैं और इसे सोख होने देते हैं 5 मिनट के लिए। पोहा अच्छे से सोख हो गया है, अब इसे रनिंग वाटर में 2 से 3 बार वॉश कर लेंगे। पोहे को मैंने छलनी में डालकर अच्छे से वॉश कर लिया था, अब हम इसे ट्रांसफर कर लेते हैं बाउल में। अभी मेरे पास है 2 मीडियम साइज के प्याज, जिसे कि मैंने स्लाइस कर लिया था। साथ ही जाएंगी इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, बारीक कटा हुआ खूब सारा हरा धनिया। स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं, तो मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, साथ ही इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक डाल लेते हैं। मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है, 1 टीस्पून क्यूमिन सीड्स यानी कि जीरा, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर। अब हम प्याज को पोहे के साथ बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे, बेसिकली हमें इसका डो बनाना है। मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी मेरे पास है 1/4 कप गेहूं का आटा। हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें गेहूं का आटा डालेंगे और इसमें हम पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि अनियन में हमारा खूब सारा पानी होता है। तो मैंने 1/4 कप आटा डाल लिया है और इसे हम अच्छे से करेंगे मिक्स। अब हम इसमें डाल लेते हैं 2 टीस्पून ऑयल। जब हम प्याज में नमक डालते हैं तो प्याज अपना वाटर रिलीज करता है, इसलिए हमने इसमें पानी ऐड नहीं किया है। तो मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और हमारा डो बनकर तैयार है। अब इसमें से छोटे छोटे पोर्शंस लेंगे और कटलेट की शेप देंगे। अगर आपको लगे कि आपका मिक्सर बाइंड नहीं हो रहा है तो आप इसमें 1 चम्मच गेहूं का आटा और डाल सकते हैं। तो इसी तरह से हम सारी कटलेट्स को शेप दे देंगे। फ्राई कर लेते हैं कटलेट्स को मीडियम हॉट ऑयल में। अब मैं आपको एक और टिप देती हूँ, प्याज को स्लाइस करते हुए आप उसे इक्वली स्लाइस करिए, पतला पतला। मोटा या पतला करेंगे ना तो जो आपके प्याज हैं वो बिखर जाएंगे, कटलेट्स अच्छे से शेप होल्ड नहीं करेंगे। अब हम इसे फ्राई होने देते हैं ऑन मीडियम फ्लेम। थोड़ी देर हुई है इसे फ्राई होते हुए, तो इसे फ्लिप कर लेते हैं। जेंटली फ्लिप करिएगा क्योंकि जो हमारे कटलेट्स हैं बहुत ही सॉफ्ट हैं। कटलेट्स नीचे से थोड़े से रोस्ट हो चुके हैं, उनके ऊपर एक अच्छा सा लाइट ब्राउन कलर आ चुका है। दोनों तरफ से कटलेट्स को फ्राई कर लेंगे जब तक इसके ऊपर एक अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता। कुछ देर हुई है कटलेट्स को मीडियम हाई हीट पर रोस्ट होते हुए और इनके ऊपर एक बहुत ही बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। ऑयल में से कटलेट्स को निकाल लेते हैं और इसी तरह से बाकी सारे कटलेट्स को भी फ्राई कर लेंगे। गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं कटलेट्स को धनिया पुदीने की चटनी के साथ। प्याज से बना ये टेस्टी नाश्ता बच्चों और बड़ों दोनों को बहुत पसंद आता है। पार्टी में या फिर घर में जब भी आपका मन करे आप इसे तब बना सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल बटन को जरूर दबाइएगा ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।